क्षेत्र में 24 घंटे में ठंड से गौशालाओं में बंद 8 मवेशियों की मौत। गौशालाओं में ठंड से बचाव के इंतजाम नाकाफी। क्षेत्र के भुजरक गांव के गौशाला में शनिवार को ठंड से 2 मवेशियों की मौत हो गई थी। 24 घंटे बीते नहीं कि भुजरक गांव के पास नाले में रविवार को 2 और मवेशी मृत हालत में पड़े मिले। पहचान छिपाने के लिए उनके कानों के टैग को काट लिया गया था। रविवार को ही सुबह क्षेत्र के सेमरी गांव के पास नेशनल हाईवे के किनारे टैग लगाए 4 मवेशी मृत अवस्था में पड़े मिले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार राजकुमार भदौरिया की मौजूदगी में चारों गायों का पोस्टमार्टम करवा कर जमीन में जेसीबी से गड्ढा कर दफना दिया गया और भुजरक गांव में नायब कमलेश कुमार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवा कर दफना दिया गया। 24 घंटे के अंदर क्षेत्र में 8 मवेशियों की ठंड से हुई मौतें कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा गौशालाओं में ठंड से बचाने के किए गए इंतजामों की पोल खोल रही है। हालांकि सेमरी गांव के पास मृत मिले चारों मवेशियों के टैग सुरक्षित कर लिए गए हैं। उधर पिपरगवा की गौशाला में मवेशियों के ठंड से बचाव के लिए एक पन्नी का खुला छप्पर मात्र है, जो ठंड से बचाव के लिए नाकाफी है। एसडीएम सदर सुधीर कुमार का कहना है कि टैग के आधार पर पता किया जाएगा कि गाय किस गौशाला की थी, इसके बाद संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्टर नवल तिवारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल, क्राइम ब्यूरो, बांदा। है ना, इतना बीच जी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र है जी। किस विभाग से हैं आप? पशुपालन विभाग से जी। डॉक्टर साहब, इस समय आप कैरी के पशुबाड़े में हैं और यहाँ के ग्रामीणों व समाज सेवियों का कहना है कि कई जानवर यहाँ भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर रहे हैं, जो बीमारी हालत में थे। तो अभी आप आए हैं तो क्या देखा आपने, क्या स्थिति है? यहाँ कमजोर है जानवर, चारा पानी नहीं पा रहा है ना पेट भर। अच्छा, तो उसकी शारीरिक कार्य क्षमता बिल्कुल नील हो गई है, जानवर गिर जाता है, मर जाता है जी। मतलब ये स्पष्ट है कि भूख और प्यास और ठंड के कारण जानवर मर रहा है। बस बस, ये बीमारी कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं फैली है, कुछ नहीं है। धन्यवाद। यहाँ डीएम साहब आए थे गौशाला का चेकिंग करने, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि शनिवार को हम लोगों को जानकारी मिली ग्राम पंचायत कैरी के ग्रामीणों के द्वारा कि जो कैरी में पशुबाड़ा बना है तो उसमें 200 जानवर हैं और 200 लगभग जानवर बाहर हैं, लेकिन पैसा पूरा सचिव महोदय अंकित अवस्थी जी निकाल रहे हैं। अभी इन्होंने वो लगाया था बिल, और जो जानवर मर जाते हैं वो पशुबाड़े में ही पड़े रहते हैं, कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो लोगों ने हमको बुलाया कि आके देख लीजिए। हम अपनी टीम के साथ गए कैरी में, देखा तो 8 जानवर को लगभग 90% मरे, 6 जानवर और 2 जानवर तड़प रहे थे। हमने तत्काल वहाँ देखा तो ना कोई कर्मचारी था, ना प्रधान थे, ना कोई व्यक्ति वहाँ कार्य करने वाला नहीं था, और पशुबाड़ा में एक भी भूसा चारा पैरा कुछ भी नहीं था। हमने तत्काल वीडियो साहब को फ़ोन किया, सीबीओ साहब मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा को फ़ोन किया, तो डॉक्टर भी आए और वीडियो साहब ने आनाकानी कर दिया कि अभी मैं चुनाव ड्यूटी में हूँ। तो हमने कहा ठीक है सर, सचिव साहब को भेज दीजिए, लेकिन सचिव साहब नहीं आ पाए। जैसे डॉक्टर आए और डॉक्टरों ने इलाज किया तो डॉक्टरों ने ये बताया कि यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ भूख और ठंड के कारण जानवर मर रहे हैं, जो भी मर रहे हैं। और वहाँ के पशुबाड़े में सचिव साहब जो अधमरे जानवर हैं, जिसको कुत्ते बिल्ली नौजवानों से खा करके मार डालते हैं, उनको भी दफनाने के लिए भेज देते हैं। आज मैंने सुबह ही फिर से जब जानकारी मिली कि 6 जानवर मरे पड़े हुए हैं, कुछ को कुत्ते सियार बिल्ली खा रहे हैं, हमने तत्काल वीडियो साहब को, सीडीओ साहब को, यहाँ तक कि जिलाधिकारी और समस्त जनप्रतिनिधियों को आह्वान किया कि श्रीमान जी कैरी के पशुबाड़े का हाल दिखवा लीजिए। जहाँ जहाँ अंकित अवस्थी जी सचिव महोदय हैं, साथी में हैं, कोर्रम में हैं, दफ्तरा में हैं, कैरी में, हर जगह यही मारामारी चल रही है। और वो कहते हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यहाँ तक कि जिला अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकता, जितना पैसा लगेगा मैं कमा के दे दूंगा, चूंकि मैं हर तरह से कमाता हूँ इतना। अच्छा, जिला अधिकारी आए थे, क्या बात की यार? जिला अधिकारी महोदय आए तो उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए, मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा, जल्दी ही सचिव महोदय को निलंबित कराने की बात कहें, FIR दर्ज कराने की बात कहें, और जो भी इनके द्वारा अभी तक मनमानी की गई है उसके अवैध वसूली को रिकवरी कराने की बात कहें। आश्वासन दिया है? आश्वासन दिए हैं और हमने लिख के भी दिया है।